द ग्रेट सैंटा। बच्चे क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि क्रिसमस की रात उनका प्यारा प्यारा सैंटा आता है, उन्हें ढेर सारे गिफ्ट्स देता है और जादुई दुनिया की सैर करवाता है। क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी, गट्टू जिंकी ने सैंटा की कई सारी कहानियां अपने दोस्तों से सुनी थी। सैंटा सपने में आता है, ढेर सारे गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और खिलौने लाता है। पता है, पिछले साल मेरे सपने में सैंटा आया था। कैसा था वो? उसने लाल टोपी पहनी थी, लाल लाल सूट और ब्लैक ब्लैक जूते थे उसके, लंबी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसकी पीठ पर एक बड़ी सी पोटली थी जिसमें बहुत सारे गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और मैजिक था। वाओ, हाउ इंटरेस्टिंग। क्या सैंटा ने वो सब तुम्हें दे दिया जॉन? हाँ, मैं जब सो रहा था तब आसमान से उड़ता हुआ एक सैंटा खिड़की से उतरकर मेरे कमरे में आया और मेरे लिए बहुत सारे खिलौने, चॉकलेट्स और गिफ्ट्स रखकर चला गया। सुबह मैंने आंखें खोली तो सैंटा को थैंक्स कहा और वो सब कुछ ले लिया। जॉन, सैंटा हमारे भी पास आएगा ना? हमें भी सैंटा से मिलना है। वो तो पता नहीं, लेकिन मेरे एक कजन ने सैंटा को बुलाने का एक आइडिया दिया था मुझे। प्लीज प्लीज जॉन, हमें भी बताओ ना वो आइडिया। तो सुनो, सैंटा को बुलाना है तो सोने से पहले अपने कमरे में तुम्हें आंखें बंद करके जाना होगा। आंख खोलकर किसी को नहीं देखना है, बस मन ही मन सैंटा को याद करना है और उसे इनवाइट करना है। धीरे धीरे तुम्हें नींद आने लगेगी, तुम सो जाओगे और 12 बजने के बाद सैंटा आसमान से उतरकर तुम्हारे कमरे में आएगा। गट्टू चिंकी ने ठान लिया कि वो क्रिसमस की रात 12 बजे सैंटा को अपने कमरे में बुलाएंगे। रात का खाना खाकर गट्टू चिंकी अपने कमरे में जाने लगे और चलते चलते दीवार से टकरा गए। गट्टू चिंकी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मम्मी प्लीज, हमसे बात मत करो, हमारी आंखें बंद है और हम बस सैंटा को ही देखना चाहते हैं। ये तुम्हें किसने कहा कि सैंटा को बुलाने के लिए आंखें बंद करके ही जाना पड़ता है? जॉन ने बताया किसी का चेहरा नहीं देखना, आंख बंद करके सैंटा को बुलाना है और कमरे में जाकर सो जाना है। फिर 12 बजे आसमान से उतरकर सैंटा हमारे कमरे में आएगा और हमें ढेर सारे गिफ्ट्स देगा। ये सुनकर मम्मी और पापा दोनों हंसने लगे। ये बच्चे भी ना पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। गट्टू चिंकी फिर से चलने लगे और फिर से दीवार को टकरा गए। ठीक है बाबा, तुम अपनी आंखें बंद ही रखो, मैं और पापा तुम दोनों को बिस्तर तक छोड़ आते हैं, नहीं तो रात भर तुम लोग यूं ही दीवार से टकराते रहोगे और वहाँ तुम्हारा सैंटा आकर चला भी जाएगा। फिर मम्मी पापा ने गट्टू चिंकी का हाथ पकड़कर उन्हें उनके कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया और वापस चले आए। गट्टू चिंकी आंखें बंद करके सैंटा को बुलाते रहे और देखते ही देखते सो गए। रात के 12 बज गए और अचानक बेडरूम की खिड़की खुल गई। लाल लाल सूट पहना हुआ, लाल लाल टोपी पहना हुआ, लंबी सफेद दाढ़ी वाला प्यारा सा सैंटा आसमान से उतरकर गट्टू चिंकी के कमरे में आया था। मैरी क्रिसमस गट्टू चिंकी, हे डियर आंखें खोलो, मैं तुम्हारा सैंटा तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें ढेर सारे गिफ्ट्स देने आया हूँ। गट्टू चिंकी ने आंखें खोलकर सैंटा को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सैंटा, सैंटा तुम सच में आ गए? कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? नहीं डियर, ये सपना नहीं सच है। देखो, मैं तुम्हारे लिए अपनी पोटली भर के लाया हूँ, इसमें बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे चॉकलेट्स और बहुत सारे खिलौने हैं। मांगो, जो चाहिए वो मांगो, हम आज पूरी रात एंजॉय करेंगे। फिर क्या, गट्टू चिंकी की फरमाइशें शुरू हो गई। सैंटा, पहले तुम हमें बहुत सारे चॉकलेट्स दो, और हाँ, ऐसे चॉकलेट्स दो जिनसे हमारे दांत खराब ना हो, नहीं तो हमारे खराब दांत देखकर मम्मी पापा बहुत डांटेंगे। सैंटा ने अपनी पोटली में हाथ डाला और बहुत सारे चॉकलेट्स निकाल कर गट्टू चिंकी को दिए। चॉकलेट्स देखकर
गट्टू चिंकी बेहद खुश हुए। उन्होंने चॉकलेट्स खाने शुरू कर दिए। बहुत टेस्टी है। मांगो, और क्या चाहते हो? मुझे एक प्यारी सी गुड़िया और कलर बॉक्स चाहिए। मुझे एक रिमोट कंट्रोल की कार चाहिए। सेंटा ने फिर से पोटली में हाथ डाला और बहुत सारे खिलौने निकाल कर गट्टू चिंकी को दिए और भी बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। फिर सेंटा ने बहुत सारे रंग बिरंगी गुब्बारे निकाल कर फुलाए। गट्टू चिंकी हवा बनकर गुब्बारों के साथ साथ इधर उधर उड़ने लगे। इस प्रकार सेंटा ने रात भर गट्टू चिंकी के साथ बहुत फन किया और फिर सब लोग थक गए। थैंक यू सेंटा, अब हम थक गए हैं, सो जाते हैं, तुम भी सो जाओ। सेंटा तो गट्टू चिंकी से भी ज्यादा थक गया था। वो झट से बिस्तर पर सो गया और गट्टू चिंकी सेंटा से चिपक कर सो गए। सुबह गट्टू चिंकी की नींद खुली, लेकिन सेंटा तो सो रहा था। उन्होंने देखा कि सेंटा की लंबी लंबी दाढ़ी छूटकर नीचे गिर गई थी और सेंटा पापा की तरह दिख रहा था। गट्टू चिंकी जोर से चिल्लाए, पापा! आवाज सुनकर सेंटा यानी पापा जाग गए और मम्मी भी भागती हुई आई। तो पापा आए थे सेंटा बनकर और हमें लगा सच्ची मुच्ची का सेंटा आया है। ये सुनकर मम्मी हंसते हुए बोली, मैरी मैरी क्रिसमस बच्चों। कल रात सेंटा के लिए तुम्हारी एक्साइटमेंट देखकर हमने प्लान किया और पापा ने सेंटा बनकर तुम्हें एंजॉय करवाया। तो बच्चों, कैसे किया मैंने सेंटा का रोल? परफेक्ट, हमने बहुत एंजॉय किया। हाँ हाँ, हमने बहुत एंजॉय किया। और मैंने भी। बच्चों, सेंटा सचमुच होते हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हमारे पेरेंट्स ही हमारे असली सेंटा होते हैं। बिना मांगे वो हमारी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, इसलिए उनका हमेशा सम्मान करो और खुश रहो। हैप्पी क्रिसमस। पापा मम्मी, आप हमारे ग्रेट 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 सेंटा हो। हाँ मम्मी पापा, आप हमारे ग्रेट 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 सेंटा हो। हैप्पी क्रिसमस। ऐसा कहकर गट्टू चिंकी ने अपने ग्रेट सेंटा को यानी अपने पापा को और अपनी मम्मी को गले लगा लिया।